हाँ फ्रेंड्स, मैं मोहन सेठ स्वागत करता हूँ आपको एमजे क्लासेस में। आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे, क्लास ट्वेल्थ का ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम लोग यही देखेंगे कि ये जो चैप्टर है, हालांकि ये ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा केवल 10 मार्क्स के आएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले अब हम लोग यही देखेंगे कि इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन होता क्या है। तो अगर हम लोग बात किया जाए कि सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है, तो ये तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख पूरा जान गए अच्छे से कि ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है। तो अब हम लोग को केवल यहाँ पर बेसिक चीज़ जो समझना है कि पहले इनवर्स क्या होता है। अगर इनवर्स समझ जाएंगे तो हम लोग पूरा का पूरा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर जो लोग नए हैं इस वीडियो पर, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो जाके हमारा जो प्रीवियस वीडियो है जो कि केवल ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन पर बताए हैं, वो एक बार उसको देख ले ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें थोड़ी देर के लिए, अगर केवल इनवर्स को समझे कि इनवर्स क्या होता है, तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर मान लेते हैं इनवर्स समझना है, इनवर्स फंक्शन, अगर हम लोग इनवर्स फंक्शन समझ गए तो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन एकदम अच्छे से इजीली तौर पर समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। तो इनवर्स फंक्शन एकदम कुछ नहीं है, बस इसमें हम लोग एक फंक्शन लेकर चलेंगे और उस फंक्शन को इनवर्स दिखाने के लिए दो कंडीशन है। तो आइए हम यहाँ अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं डीपली। मान कर चलिए कि एक फंक्शन है fx इक्वल टू वाई, ये एक रिलेशन है मैपिंग टाइप का, f such that a tends to b। इसका मतलब कि अगर हम लोग ये दिखा जाए कि ये एक मैपिंग है, रिलेशन दिखा रहा है कि a का b से रिलेशन दिखा रहा है और वो जो रिलेशन है वो एक फंक्शन है f के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, इस मैपिंग जो है f such that a tends to b, इसको हम लोग fx equal to y से डिफाइन कर रहे हैं। अब मान कर चल रहे हैं, एक बना ले रहे इसको एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, एक ये और एक ये a हो गया, ये b हो गया। अब हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं fx equal to 2x। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए, एकदम ध्यान से देखा जाए, तो fx equal to 2x इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग ये कहें कि ये आपका x है, ठीक है, ठीक है, जिसको कि हम लोग डोमेन बोलते हैं, यहाँ लिख लीजिए ये डोमेन हो गया, ये आपका को डोमेन हो गया, यही आपका रेंज हो गया। तो एकदम इजीली तौर पर समझिए कि मान के चलिए कि अगर x की जगह हम लोग 1 रखेंगे तो हमको ये जो रिजल्ट मिलेगा 2 मिलेगा, यानी अगर इसमें हम मान कर चलिए 1, 2, 3, 4 है, तो अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 × 1 ये आपका हो गया 2, यहाँ पे 2 रखिए तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये देखेंगे कि अगर f such that a tends to b कोई मैपिंग है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो f है, f जो ऑपरेशन हम लोग लगा रहे हैं, ये एक फंक्शन को दिखा रहा है। अगर हम कहें कि यही फंक्शन को आपको ये दिखाना है कि वो फंक्शन इनवर्स हो, तो सबसे पहला चीज़ हम लोग देखेंगे कि कोई भी फंक्शन है, किसी भी फंक्शन को इनवर्स अगर दिखाना है या इनवर्स शो करना है, तो सबसे पहले उस फंक्शन को 1-1 होना चाहिए और 2-2। अब आप ये पूछेंगे कि 1-1 2-2 क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए 1-1 2-2, क्योंकि इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ने के से पहले ये तभी समझ में आएगा जब आप कोई भी फंक्शन का इनवर्स निकालना सीख गए, क्योंकि अगर इनवर्स निकालना जान जाएंगे तो ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन एकदम ईजी पड़ जाएगा। तो सबसे पहले ये 1-1 की बात करेंगे कि 1-1 और 2-2 होता क्या है। अगर ये दो चीज़ समझ में आ गया तो कोई भी फंक्शन को इनवर्स तभी कहेंगे जब वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो अब हम मान कर चल रहे हैं यहाँ पे
इमेजिन करें कि हमको समझना है कि वन वन क्या होता है। तो वन वन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी है, हम लोग ए को माने हैं डोमेन और बी को माने हैं कोडोमेन। इसका मतलब ये होता है कि वन वन से सीधे सीधे ये समझ में आ रहा है कि एक एक एलिमेंट, इसका मतलब कि डोमेन का जितने भी एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट डोमेन का वो रिलेशन बनाएगा बी यानी कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट से। तो इसमें यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए कि अगर ये फंक्शन है तो x का वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा 2। तो देखिए 1 किस तरीके से रिलेशन में है, 1 2 के रिलेशन में, 2 4 के रिलेशन में, 3 6 के, 4 8 के। इसका मतलब कि ये जो a है a को हम लोग डोमेन करें, यानी इस डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबका ओनली 1 यानी केवल एक इमेज बनना चाहिए किसमें, कोडोमेन के एलिमेंट से। तो इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ देखें तो 1 2 3 4 यानी प्रत्येक का एलिमेंट यानी एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज ओनली 1 इमेजेस टू एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। अब मान कर चल रहे कि इसी में हम लोग एक बढ़ा दे रहे हैं 5। तो अगर 5 बढ़ा देते हैं और यहाँ पर रखेंगे 5 तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 इसमें है नहीं है। वैसे भी अगर 10 नहीं भी रहता तो भी अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो एक एलिमेंट जो 5 है इस 5 का इमेज कोडोमेन में नहीं बन रहा है। तो जाहिर सी बात अगर 5 का ये जो एलिमेंट जो है आपका डोमेन में स्थित है इसका अगर इमेज कोडोमेन में नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि जाहिर सी बात है कि आपका डोमेन में एक एलिमेंट छूट गया। इसका मतलब कि हम बताए थे ना कि 1 1 का मतलब कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट है उन सभी का केवल एक इमेज कोडोमेन में बनेगा। तो यहाँ पर आपका 5 बच गया, हालांकि ये एग्जांपल ले रहे थे तो हम 5 को यहाँ से हटा दे रहे हैं। इसका मतलब कि हमको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर 1 1 समझ में आ गया, ठीक इसी तरीके से आन टू हम लोग समझ लेते कि आन टू में क्या होता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, फंक्शन हमारा डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है। अब हम मान कर चल रहे हैं ये डोमेन हो गया आपका, ठीक है, ये कोडोमेन, मान लिया कोडोमेन में एलिमेंट हम लोग ले लिए 1 2 3। अब अगर यहाँ कोडोमेन में लिए 1, ठीक है, तो उस हिसाब से जो आपका हो जाएगा मान लीजिए इसमें एलिमेंट ले लिया आप 2 4 और 6, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग इसमें इसके हिसाब से अगर रिलेशन देखा जाए तो हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए आपका एलिमेंट यहाँ पे रखा जाए तो 1 का हो जाएगा 2 2, को हो जाएगा 4, का हो जाएगा आपका 6। तो आन टू क्या होता है, आन टू ये दिखाता है कि ठीक इसी का उल्टा, जैसे हम लोग इसमें पढ़ रहे थे 1 1 में कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज एक इमेज सिंगल इमेज कोडोमेन के एलिमेंट से बनना चाहिए और डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए सभी का, ठीक इसी का हम लोग इसमें आएंगे आंटू में। तो आंटू में क्या होता है, बस कुछ भी नहीं करेंगे, बस इसमें ये देखेंगे कि जो कोडोमेन है कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट से इमेज बनना चाहिए। उसके साथ साथ एक कंडीशन ये कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है कोई छूटना नहीं चाहिए, वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट से आपका इमेज बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो देखिए डोमेन में हमारा ये 3 छूट गया 5 छूट गया 6 छूट गया है, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं, हमको ये देखना है कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट नहीं ना छूटा है। अगर इसी की जगह हम लोग 7 लिख दें तो सबसे पहले देखेंगे ये जो 7 है 7 का इमेज इसमें कहीं नहीं बनेगा। अगर हम लोग यहाँ रखे 7 तो यहाँ आ जाएगा 14, यानी इसका इमेज इसमें कहीं नहीं बन रहा है। आप कोई भी एलिमेंट ले लिए 8 9 10, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कोडोमेन का 3 एलिमेंट का तो इमेज बन रहा है डोमेन में, लेकिन एक एलिमेंट बच गया, इसका मतलब कि यह आंटू नहीं है। तो ये तो केवल हम समझा रहे थे, यहाँ से हम लोग 7 को इरेज कर देते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन जो f है वो
ए से बी में है हो रहा है और उसको डिफाइन कर रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब कि एक्स बिलोंग कर रहा है आपका ए, ये एक्स है और इसका जो मैपिंग बनेगा आपका फंक्शन एफ के थ्रू, ये एक्स अगर ये है अब फंक्शन एफ ऑपरेट कर रहे हैं तो ये आपका एफ एक्स इसमें आ जाएगा वाई में, ठीक है। तो उस हिसाब से इस फंक्शन एफ को हम लोग इन्वर्स तभी कहेंगे जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, एक वन वन एक आन टू, वन वन हम लोग समझ गए आन टू समझ गए एकदम अच्छे से। अगर इतना हम लोग को एकदम अच्छे से क्लियर है तो अब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, यही इनवर्स जो हम लोग पढ़े हैं एक नॉर्मल फंक्शन पर, अब इसी इनवर्स को हम लोग को डिफाइन करना है ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन पर। तो सबसे पहले अब हम लोग छोटी सी ठीक है एक आइडिया लेकर चल रहे हैं, एक फंडा कि इनवर्स जो होता है कोई भी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, या कोई भी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको इनवर्स रूप में कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये जितना चीज़ हम लोग समझाए हैं इसी का फंडा उसमें लगेगा, इसी का कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बशर्ते यहाँ पर हम लोग इनवर्स का एक नॉर्मल फंक्शन लेकर चल रहे थे, अब यहाँ पर हम लोग इनवर्स का ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग आप चलते हैं इस चार्ट की ओर, हम लोग इनवर्स फंक्शन क्या होता है ये सीख गए हैं। अब हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि कुछ फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स कॉस टेन, तो इन सब का डोमेन दिए हुए और रेंज दिए हुए, अभी हम लोग डोमेन समझिए रेंज क्या होता है, तो वो एक नॉर्मल फंक्शन के लिए था। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन का, तो अब हम लोग चलते हैं एक ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन लेते हैं साइन एक्स। अब साइन एक्स का हम लोग ये देखेंगे कि साइन एक्स का रेंज और डोमेन क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग को साइन एक्स का रेंज और डोमेन पता चल जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे ठीक उसी का उल्टा, क्योंकि अभी हम लोग साइन इनवर्स में पढ़े हैं कि ठीक उसी का उल्टा कर देंगे हमारा आपका इनवर्स निकल जाएगा और उसके साथ साथ वो वन वन और आन टू को एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मान कर चल रहे साइन एक्स से इसका ग्राफ बना लेते हैं, अब अगर इसको ये जीरो होता ही है ठीक है, ये हो गया आपका इतना, पाई बाय टू यहाँ पर हो जाएगा आपका टू पाई, इसी तरीके से फिर यहाँ पर कुछ हो जाएगा इस तरीके से कुछ, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं माइनस पाई बाई टू, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड है, ये हो जाएगा माइनस टू पाई। तो अब अगर हम लोग बात किया जाए कि साइन एक्स है, हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स जो है साइन एक्स का इनवर्स में देखा जाए तो इसका डोमेन माइनस वन से प्लस वन होता है, लेकिन अगर हम लोग बात किया जाए कि ये साइन एक्स है तो साइन एक्स यानी अगर यहाँ से हम लोग लिया जाए इस पॉइंट से ठीक है इस पॉइंट तक, तो हम लोग इधर देखिए चल रहे हैं, इधर जाने का मतलब कि हम लोग एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में जैसे ही आएंगे इसका मतलब कि ये आपका जो वैल्यू आएगा साइन का वो कोई ना कोई एक यूनिक वैल्यू आएगा, इसका मतलब कि अगर साइन पाई बाई टू का वैल्यू देखें तो माइनस वन ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम लोग ऐसे बढ़ेंगे तो किसी दूसरे पॉइंट पर उसका वैल्यू कुछ, फिर किसी तीसरे पॉइंट पर उसका वैल्यू कुछ, और इसी तरीके से जाते जाते अगर हम लोग पाई बाई टू पर पहुँच गए तो वहाँ पर जो साइन का वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्लस वन। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन जो है साइन एक्स का जो डोमेन है ये आपका हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। एक बार फिर इसको देख लीजिए कि साइन एक्स का जो डोमेन है ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, इसका मतलब क्या होता है, ये डोमेन का मतलब क्या होता है कि अगर साइन एक्स में अगर एक्स की जगह ये एक्स बिलोंग कर रहा है इसमें ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में जितने भी रखेंगे वो सब का इमेज को डोमेन यानी रेंज में एक एक बनेगा, इसका मतलब कि वो आपको क्या दिखा रहा है, वो आपको वो वन वन दिखा रहा है कि वो वन वन को एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा डोमेन। रेंज की अगर बात करें तो अगर रेंज या कोडोमेन की बात करें तो मान के चल रहे कि इस पॉइंट पर यानी पाई बाई टू पर ये वैल्यू आपका हो जाएगा प्लस वन,
और माइनस पाई बाई टू पर ये वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस वन, ठीक है। तो अगर ये प्लस वन है, ये माइनस वन है, तो अगर देखा जाए तो ये प्लस वन किस पर आ रहा है, ये पाई बाई टू पर आ रहा है, और ये माइनस वन किस पर आ रहा है, माइनस पाई बाई टू पर, ठीक है। यानी प्लस वन से माइनस वन के बीच में जितने भी हम लोग पॉइंट लेंगे, जितने भी जो नंबर आएगा वो आपको अन टू को दिखा रहा है। अन टू का मतलब कि ये प्लस वन माइनस वन किस में स्थित रहेगा, को डोमेन में। इन को डोमेन का जो इमेज है, प्रत्येक को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज आपका डोमेन में बनेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से हमको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि ये जो आपका वन वन और ऑन टू दोनों को आपको ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर लिखना होगा तो आप इसका रेंज, ये तो हो गया आपका कोड, ये डोमेन, ये हो जाएगा आपका रेंज, रेंज आपका हो जाएगा माइनस वन से प्लस वन। केवल बस इतना ही समझना, अगर ये समझ में एकदम अच्छे से आ गया तो आपको इनवर्स निकालना एकदम इजी आ जाएगा। अभी हम लोग उधर पढ़े ही थे कि अगर ये एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ये अगर कोई मैपिंग है, ठीक है, जहाँ एफ एक्स इक्वल टू वाई था, तो अगर इसका इनवर्स निकालना होगा तो कुछ भी नहीं करेंगे। ये आपका था डोमेन और ये आपका था रेंज या कोडोमेन, तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। जो डोमेन है और जो रेंज है, बस इसी को आपस में पलट देंगे, अदला बदली कर देंगे। तो जो फंक्शन हमारा ए से बी में था, अब वो फंक्शन हमारा बी से ए में आएगा, लेकिन इनवर्स के साथ। इसका मतलब कि अगर एफ सच दैट ए से बी है, ए टेंड्स टू बी, तो अब कुछ नहीं करना, इसी का इनवर्स निकालने के लिए बी से ए कर देंगे। और ये जो फंक्शन बनेगा हमारा, हालांकि ये फंक्शन जो था एफ ए से बी में था, लेकिन अब वापस उल्टा आ रहे हैं, तो इसको एफ इनवर्स दिखा देंगे। इनवर्स का मतलब होता है एकदम नॉर्मली मीनिंग कि ठीक उसी किसी चीज़ का उल्टा। तो यही आपका जो f है, ये f इनवर्स बन गया। बस कुछ नहीं करेंगे, डोमेन और रेंज को आपस में चेंज कर देंगे। तो अगर हम लोग ये जान गए, ठीक है, कि साइन x का डोमेन ये होता है और साइन x का जो रेंज है वो आपका ये होता है, तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसी ये जो डोमेन है इस डोमेन को रेंज बना देंगे, और ये जो रेंज है इस रेंज को डोमेन बना देंगे, ठीक है। तो ये तो साइन एक्स के लिए था, लेकिन जब इनवर्स में पढ़ेंगे तो इधर देखिए लोग टेबल बनाए, टेबल में ये चीज़ लिखा हुआ है कि साइन एक्स है, साइन एक्स का डोमेन आपका है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो देखिए अब ठीक उसी का उल्टा, अब उसी डोमेन को हम लोग रेंज में ले लिए, और ये जो रेंज आपका है इसको हम लोग डोमेन में ले लिए। अभी हम यहाँ पर बताए ना कि जो डोमेन रेंज है इसको अदला बदली कर देंगे, ठीक है। तो ये जो रेंज है, ये रेंज इस केस में डोमेन बन गया, जो डोमेन है वो इस केस में रेंज बन गया। तो साइन एक्स है, साइन एक्स का इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डोमेन को हम लोग रेंज बना देंगे, रेंज को डोमेन। तो यहाँ पर आपका जो ये है, ये आपका लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स का। इसी तरीके से कॉस का है, टेन का है, कॉट सेक कोसेक सब का है। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, तो इसको लर्न करने का एकदम सिंपल फंडा, एकदम इजी तरीका है, उसको भी हम बता दे रहे हैं शॉर्टकट ट्रिक से, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे उसमें ये कहीं ना कहीं यूज होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आपका फार्मूला बेस्ड रहेगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक से सॉल्व हो जाए, जितने भी रहेंगे अभी सब फार्मूला को यहाँ लिखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि इसको लर्न कैसे किया जाए। तो देखिए मान लेते हैं ये बना लीजिए, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ठीक है। ये होता है आपका 0 डिग्री, ये होता है पाई बाई टू, ये होता है आपका पाई, ये होता है माइनस पाई बाई टू, ठीक है। आप इसको 3 पाई बाई टू मत लिखिएगा, आप इसको माइनस पाई बाई टू ही लिख लीजिएगा। तो 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये माइनस पाई बाई टू, क्योंकि ये हम लोग इधर जा रहे तो प्लस पाई बाई टू रहेगा, वाई में नीचे आएंगे तो माइनस। अब देखिए इसको लर्न कैसे करना है, तो साइन साइन वाला देखिए इसको इस तरीके से समझिए कि जो साइन वाला है जिसको बॉक्स में कर रहे हैं, ये साइन, एक टेन और एक आपका हो गया सेक। साइन टेन सेक, तो ये जो साइन टेन सेक है
ठीक है, जिसको कि हम लोग बॉक्स में लिखे हैं, सबसे पहले उसको समझेंगे कि उसको किस तरीके से लर्न किया जाए, क्योंकि अगर बता देते हैं उस लर्न करने का तरीका, तो आपको साइन टेंस सेक का रेंज और डोमेन लिखने में कोई डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं साइन का। तो साइन का देखिए, अगर साइन का देखा जाए तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू है। टेन का देखा जाए तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। हालांकि डिफरेंस केवल ये है कि साइन में आपका क्लोज है इंटरवल है और टेन में आपका ओपन इंटरवल है। क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि जैसे टेन में अगर ओपन इंटरवल लिखा है तो उसका मतलब ये है कि टेन में अगर पाई बाई टू का वैल्यू देखा जाए तो अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट का कोई एक लिमिट सीमा नहीं है, जिसका मतलब कि माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ये तो फिक्स है, लेकिन हम लोग इसके और इधर और इसके और इधर यानी बाएं साइड दाएं साइड के भी हम लोग एंगल को उसमें ले सकते हैं, वो भी उस मान होगा आंसर है। ठीक है, तो अब हम लोग यही देखेंगे कि माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है, यानी ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है, यानी साइन टेन और सेक अगर देखा जाए, साइन टेन और सेक को अगर देखा जाए, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका कोसेक, ठीक है, तो साइन हो गया आपका, टेन हो गया कोसेक, वहाँ भी हम सेक में बॉक्स बनाते हैं, हालांकि सेक कॉट कॉस का अलग होता है, अभी बताएंगे सबका, तो वहाँ पे इसको देख लीजिएगा साइन टेन और कोसेक हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को लर्न करने का एक तरीका है कि बस इस तरीके से अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया तो आप उसका ये चीज़ लिख लेंगे आराम से। तो सबसे पहले देखा जाए तो साइन का है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो देखिए ये माइनस पाई बाई टू है, ये प्लस पाई बाई टू है, ठीक है, इसका मतलब कि आपको ये पता चल गया। खाली आपको इंटरवल लर्न करना होगा कि साइन में आपका क्लोज इंटरवल रहेगा, टेन में आपका ये ओपन इंटरवल रहेगा, टेन के केस में भी आपका यही लिमिट रहेगा। ठीक है, कोसेक में आएंगे तो कोसेक में देखिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, लेकिन जीरो नहीं रहेगा, जीरो को हटा देगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ये रहेगा, ठीक है, डिफरेंस केवल इतना है कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में कहीं ना कहीं जीरो आएगा, लेकिन उसमें जीरो को नहीं लेंगे, ये जीरो जो है इसको हटा देंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग भी कुछ नहीं होता है। तो एक ये कोसेक, ठीक है, एक टेन और एक साइन, इसका इस तरीके से देख लीजिए, केवल इंटरवल आपको ध्यान देना होगा। अब हम लोग अगर बात करेंगे कॉस कॉट सेक में, तो कॉस कॉट सेक में देखिए जीरो से पाई, जीरो से पाई इसका ट्रिक यही है कि देखिए ये जीरो है, ये जीरो से उठाइए और ये पाई पाई तक ला दीजिए। ठीक है, तो ये जीरो से यहाँ पाई तक, केवल आपको यही समझना है कि ये आपका जो है, ये आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये आपका साइन हो गया, ठीक है, टेन हो गया कोसेक, और उसके बाद जीरो से पाई जो हो गया ये आपका जो बाकी के तीन बचेंगे यानी कॉस कॉट सेक के लिए होगा। तो देखिए यहाँ पे कॉस के केस में जीरो से पाई है, बस क्लोज इंटरवल रहेगा, कॉट के केस में जीरो से पाई ओपन इंटरवल रहेगा, और उसके बाद सेक में जीरो से पाई रहेगा, तो जीरो से पाई रहेगा, लेकिन जीरो से पाई के बीच में जो पाई बाई टू आ रहे हैं वो आपको नहीं रहेगा, वो हटा देना है। इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या है, पूरे अच्छे तरीके से इस टेबल को लर्न कर लेंगे। अगर समझाएं तो एकदम अच्छे से समझ में आया है तो आपको ये एकदम ईजी पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ ट्राइगनोमेट्री फंक्शन है, इन्वर्स ट्राइगनोमेट्री फंक्शन के कुछ फार्मूला है। अब उस फार्मूला को हालांकि डीपली तरीके से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन समझ लेते हैं उस फार्मूला में है क्या चीज़, ठीक है, और उस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए आइए उसको समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे कुछ इन्वर्स ट्राइगनोमेट्री फंक्शन के कुछ यहाँ फार्मूलास लिखे हुए हैं, तो सभी को आगे हम समझा देते हैं कि कुछ फार्मूला यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हैं, कुछ यहाँ पर हैं। तो आइए अगर हम लोग देखते हैं सबसे पहला, तो इसमें कुछ है नहीं, दरअसल हम लोग यहाँ पे कोई भी फार्मूला, जितने भी फार्मूला लिखे हैं, किसी भी फार्मूला को हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, केवल एक बेसिक नॉलेज जानेंगे कि ये ऐसा होता है क्यों होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखा जाए तो साइन टेन और कोसेक, ठीक है, ये तीन चीज़ छोड़ देंगे, यहाँ पर कॉस कॉट सेक की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइन में और उसके बाद टेन में और कोसेक में,
अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है, ठीक है, यहाँ ये अगर माइनस थीटा, ये हर बुक में अलग अलग लिखा रहेगा तो ये चेंज हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। तो अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो इस केस में कुछ नहीं होगा, बस यही माइनस आपका आगे आ जाएगा। तो ये इतना याद कर लीजिए कि ये केवल तीन के केस में होता है, साइन टेन और कोसेक के केस में। अगर ये दिख रहा है कहीं भी कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो बस कुछ नहीं करेंगे, यही माइनस को आउट करके बाहर करके यहाँ पे लगा देंगे। तो ये तीन चीज़ है, इसका भी यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि साइन को कॉस के साथ एंगल सेम रहना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है तो ये आपका होता है पाई बाई टू। तो साइन का पेयर कॉस के साथ बनेगा, टेन का कॉट के साथ, और सेक का कोसेक के साथ। इसमें भी आपको केवल एक ध्यान देने की बात ये है, ठीक है, सीधी सीधी बात कि साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, ठीक है, ये आपका सेम रहेगा, एक्स एक्स, ये डिफरेंट नहीं रहना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई टू। इसमें बात करते हैं, तो ठीक, अभी हम लोग ऊपर बात किए थे कि साइन टेन कोसेक में अगर ये है तो माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन आप कहेंगे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स में ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्यों नहीं लिख सकते। तो ये जो तीन तो होते हैं कॉस कॉट सेक, इसका एक रूल ये है कि बस कुछ नहीं करेंगे, इसी को, ठीक है, माइनस लगा हटा कर यहाँ से पाई में से घटा देंगे। तो यहाँ से देख लीजिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो ये यहाँ लिख दिए पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यानी बस कुछ नहीं करेंगे, पाई में से इसको घटा देंगे, ये जो माइनस यहाँ लगा हुआ है ये माइनस हटा देंगे। तो केवल तीन चीज़ आपको जो है ये आपको जानना होगा, ठीक है, इसमें कि साइन टेन कोसेक रहेगा तो आपका माइनस बाहर आ जाएगा, और इसमें कॉस कॉट सेक रहेगा तो इस केस में आपका पाई में से घट जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी हम लोग सीख लिए हैं, ठीक है, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है तो पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स है तो पाई बाई टू। और इसका अब हम लोग आएंगे इसमें, ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग देखें तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है। तो अगर हम लोग इसमें देखें थोड़ी देर के लिए, तो जैसे हम लोग टेन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़े थे कि टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है, अपान में वन माइनस टेन इंटू टेन बी, हालांकि ये इनवर्स में है लेकिन अगर देखा जाए तो वो उसी रूप का दिखाई दे रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो इसका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान में वन माइनस एक्स वाई। यहाँ पर आपको एक बात केवल ध्यान देना होगा कि कुछ कंडीशंस यहाँ लिखी हुई हैं, यानी अगर एक्स वाई का वैल्यू वन से कम है तब इस केस में हम लोग इसका फार्मूला ये लिखेंगे। तो बच्चे करते क्या कि जो क्वेश्चन लगाते हैं उसमें वो एक्स वाई देखते रहिए कि कौन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वो करेंगे क्या कि तीनों में जो उनको समझ में आएगा वही अप्लाई कर देंगे, इसीलिए उनका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको केवल एक चीज़ ध्यान देना होगा, ये कंडीशन को एकदम अच्छे से समझना है। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका ये प्लस है, तो अगर प्लस है तो ऊपर आपका ये प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस रहेगा ये, ठीक है, ये किस केस में, जब एक्स वाई का वैल्यू वन से कम रहेगा। अब इसमें आइए बीच वाले में, बीच वाले में क्या है कि ये प्लस है तो यहाँ भी आपका प्लस रहेगा, ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि इसमें आपका पाई जो है ये जुड़ जाएगा, पाई जुड़ जाएगा, और एक्स ये कब होगा, ये जब एक्स वाई का वैल्यू वन से बड़ा रहेगा। तो अगर दोनों में डिफरेंस समझा जाए तो कुछ नहीं है, यहाँ एक्स वाई का वैल्यू एक से छोटा है तो आप ये लिखिए, ठीक है, और जब एक्स वाई का वैल्यू एक से बड़ा रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, इसका वैल्यू आपका यही आएगा, बस हरते बस एक पाई इसमें जोड़ देंगे बस, किस केस में, जब एक्स वाई का वैल्यू वन से बड़ा रहेगा। इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है कि एक्स वाई का वैल्यू माइनस वन से बड़ा रहेगा, इसका मतलब कि एक्स वाई का वैल्यू माइनस वन से बड़ा का मतलब कि यहाँ पर एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का बात किया जा रहा है। तो ये अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस करके नीचे प्लस बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये तीन फार्मूला जो है, जितनी भी फार्मूला यहाँ लिखी गई है सबका भी क्वेश्चंस में अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, हालांकि इस पर केवल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये किसी भी एग्जाम में इसको प्रूव करने के लिए नहीं पूछेगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एक्स वाई इक्वल टू वन के लिए, तो अगर हम लोग यहाँ देखा जाए तो एक्स वाई का वैल्यू वन से कम है, एक्स वाई का वैल्यू माइनस वन से बड़ा है, एक्स वाई का वैल्यू प्लस वन से बड़ा है, लेकिन एक्स वाई का वैल्यू वन के बराबर होगा उस केस में इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ आगे हम लोग देखते हैं, तो
ये अभी तक कोई फार्मूला ही नहीं बना है कि जब कोई कंडीशन अगर एक्स वाई इक्वल टू वन दिया है तब उस केस में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या ना कि अभी तक इसका कोई फार्मूला ही नहीं है ना, किसी भी क्वेश्चन में आपको इस कंडीशन पर देगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इसको भूल जाएंगे कि ये कंडीशन है ही नहीं, केवल कब है जब एक वन से छोटा एक वन से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए आज हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन इसके बाद बता देंगे। तो हम लोग यहाँ तीन क्वेश्चन करेंगे, तीन क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के रहेंगे, अभी जो फार्मूला में लिखे उसी फार्मूला पर बेस्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पर यह दिया हुआ है कि कॉट इनवर्स रूट में थ्री है, बोला जा रहा है कि आप इसका वैल्यू निकाल के दिखाइए कि कॉट इनवर्स रूट थ्री का वैल्यू क्या होगा। ये क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का होगा, 2.1 या 2.2 का। तो सबसे पहले अब हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे ये देखा जाए कि कॉट इनवर्स रूट में थ्री है, तो अगर बोला जाए कि इसका वैल्यू क्या है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में है, बस कुछ करेंगे नहीं, इसको मान लेते हैं। या लेट लिख लीजिए, लेट कॉट इनवर्स रूट में थ्री इक्वल टू वाई, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, ये कॉट इनवर्स रूट थ्री इक्वल टू जो वाई है, तो अब हम लोग करेंगे क्या कि ये जो वैल्यू दिख रहा है इसको हम लोग रोक लेंगे। तो ये जो कॉट इनवर्स है ये आपका इस साइड आ जाएगा, तो इस हिसाब से जाएगा आपका कॉट वाई इक्वल टू रूट में थ्री, और कॉट वाई इक्वल टू रूट में थ्री। यानी अगर हम आपसे पूछे कि कॉट में रूट थ्री का वैल्यू कितना होगा, यानी एंगल की अगर देखें तो ये कॉट आपका हो जाएगा कॉट पाई बाई सिक्स, ठीक है, कॉट पाई बाई सिक्स का वैल्यू हो गया आपका रूट में थ्री। अगर अब हम लोग यहाँ से देखा जाए तो ये कॉट वाई इक्वल टू कॉट पाई बाई सिक्स हो गया, तो ये जो कॉट वाई इक्वल टू कॉट है, अब हम लोग यहाँ से इस कॉट को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको ऐसे कट नहीं करते हैं कभी भी, केवल यहाँ से हम लोग दिखा देंगे कि आपका ये वाई इक्वल टू पाई बाई सिक्स हो जाता है। बहुत से बच्चे इसको ऐसे कट कर देते हैं, ये गलत है। तो यहाँ से वाई इक्वल टू पाई बाई सिक्स, अब वाई माने क्या थे, वाई इक्वल टू ये माने थे, इसको लिख लीजिए यहाँ से, यानी कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, ये वाई की जगह माने थे और इसका वैल्यू हम लोग मिल गया पाई बाई सिक्स। यानी इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कि कोई ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया और कुछ इसमें वैल्यू दे दिए, तो इसको इसी तरीके से लेट करके मान लेंगे वाई या कुछ भी, और इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इस पर आएंगे, सेकेंड पर। तो सेकेंड पर आएंगे तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में समझिए कि क्या दिया है। यानी यहाँ टेन इनवर्स वन है, कॉस इनवर्स माइनस एक बटा दो है, और साइन इनवर्स माइनस एक बटा दो है। तो अभी हम लोग पीछे एक फार्मूला पढ़े थे, इसको लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो ऊपर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ से ये पोर्शन जो है, यानी कॉस इनवर्स माइनस एक बटा दो जो है, और ये जो साइन इनवर्स माइनस एक बटा दो है, अगर इसको कंपेयर कराया जाए इससे, तो अगर हम लोग देखा जाए तो साइन इनवर्स यक्स यानी साइन इनवर्स माइनस एक बटा दो प्लस कॉस इनवर्स यक्स यानी प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक बटा दो, यानी अगर कंपेयर कराया जाएगा तो एक्स की जगह माइनस एक बटा दो है, जो कि एक्स अगर ये समान रहना चाहिए, ठीक है, इसकी जगह चाहे कुछ भी हो, माइनस एक बटा दो तीन बटा दो उससे मतलब नहीं है, तब इसका वैल्यू आपका हो जाएगा पाई बाई टू। यानी अगर हम लोग देखा जाए तो कॉस इनवर्स यक्स की जगह आपका ये है प्लस साइन इनवर्स यक्स की जगह माइनस एक बटा दो, तो इसका वैल्यू इस फार्मूला के हिसाब से पाई बाई टू होगा। यहाँ लिख लीजिए तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स वन प्लस पाई बाई टू, ये एकदम ईजी हो गया। आप अब पाई बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन, अब टेन इनवर्स वन का हम लोग अलग से इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। तो टेन इनवर्स वन का अगर आप लोग अलग से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, पाई बाई फोर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा इस तरीके से जैसे कॉट इनवर्स रूट थ्री का किए हैं, और ये हो जाएगा आपका पाई बाई टू, दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे यह हो जाएगा आपका फोर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा पाई और ये प्लस टू पाई, थ्री पाई बाई फोर, यही इसका आंसर है। तो हम लोग दो क्वेश्चन कर लिए, एक लास्ट का क्वेश्चन है वो भी आपका
दूसरे मेथड से लगेगा, ठीक है, तो उसको भी हम लोग चलते करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए ये थर्ड क्वेश्चन जो है, इस थर्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो अभी हम लोग कुछ फार्मूला यहाँ पे पढ़े थे, कुछ कंडीशन जो हम लोग बताए थे उसी पर ये बेस्ड है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो देखे थे कि यहाँ लिखवाए थे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान में वन माइनस एक्स वाई, उसके बाद देखेंगे तो अभी लिख देते हैं फार्मूला, उसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें ये बोला जा रहा है ना कि आपको टेन इनवर्स दो बटा ग्यारह यानी टू बाई इलेवन प्लस टेन इनवर्स सेवन बाई ट्वेंटी फोर ये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपको ये प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू टेन इनवर्स वन बाई टू के इक्वल आएगा। तो चलिए आइए आगे लिख लेते जो फार्मूला था। फार्मूला यही था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये हम लोग अभी पीछे पढ़े थे, इसका वैल्यू होता है टेन इनवर्स एक्स, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, अपार में वन माइनस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, तो अब देखा जाए, ध्यान से देखिएगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई यानी टेन इनवर्स एक्स ये आपका एक्स है प्लस टेन इनवर्स ये आपका वाई है। तो अगर देखा जाए तो अगर इसको जैसे हम लोग इस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला ये है, तो अगर एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, पुट करके सॉल्व करेंगे उसको, तो देखेंगे ये टेन इनवर्स अंदर एक बटा दो आना चाहिए। तो ये आपका लिख लीजिए, ये आपका एक्स है ये आपका वाई। तो आइए इसको करते हैं, एकदम ईजी है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी यहाँ लिखिए दो बटा ग्यारह प्लस सात बटा चौबीस अपान में वन माइनस, सॉरी इसको यहाँ पे कर दीजिए, वन माइनस एक्स वाई यानी हो गया दो बटा ग्यारह इंटू सात बटा चौबीस। अब देखिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा टफ नहीं है, बस केवल आपको वैल्यू पुट करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब देखेंगे कि ये चीज़ आ रहा है कि नहीं। देखिए तीन क्वेश्चन बताए, एक तो बताए तो उसमें वैल्यू निकालना था, दूसरा हम लोग ये किए ही है, तीन क्वेश्चन थ्री टाइप्स के हैं, ठीक है। हालांकि ये वीडियो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इतना जान के इतना बहुत है, काफ़ी है, ठीक है। तो इस हिसाब से अब हम लोग यही देखेंगे, आइए चलते क्वेश्चन पर, इसको सॉल्व करेंगे। टेन इनवर्स तो देखिए तो दो का गुणा हम लोग करेंगे चौबीस में, ठीक है, इसका एलसीएम लेना तो आप लोग को आता ही है, ठीक है। तो टू इंटू ट्वेंटी फोर यानी अगर गुणा करें तो चौबीस दूनी अड़तालीस हो जाएगा, ग्यारह सते सतहत्तर, ठीक है, यानी ट्वेंटी फोर टू जा आपका हो जाएगा फोर्टी एट, इलेवन सेवन जा होगा सेवेंटी सेवन, अपान में इलेवन का ट्वेंटी फोर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इलेवन का ट्वेंटी फोर में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका टू सिक्सटी फोर, आप लोग कर लीजिएगा। अपान में वन माइनस, वन माइनस इसको करिए तो सेवन टू जा फोर्टीन, अपान में इलेवन का ट्वेंटी फोर में करेंगे ये हो जाएगा आपका टू सिक्सटी फोर, ठीक है, ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ लिखिए टेन इनवर्स फोर्टी एट में सेवेंटी सेवन ऐड करिए तो एट में सेवन ऐड करेंगे ये फिफ्टीन का फाइव, सेवन में फोर ऐड करिए ट्वेल्व एक कैरी आपका हो जाएगा, ठीक है, ये टू सिक्सटी फोर लिख लीजिए, ये टू सिक्सटी फोर का वन में करेंगे टू सिक्सटी फोर, उसमें से फोर्टी सबट्रैक हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टू फिफ्टी, अपान में ये टू सिक्सटी फोर बचेगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर लिख लीजिए टेन इनवर्स ये 120 अपान में 250, 125 सॉरी 125 अपान में 250, ये कट करिएगा इसको टू टाइम्स में आएगा, तो ये आपका आ जाएगा टेन इनवर्स 1/2, ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग कुछ भी नहीं करी, ये फार्मूला हम लोग जानते थे, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू दिया हुआ है प्लस टेन इनवर्स वाई का दिया है, फार्मूला में पुट करके पूरा सॉल्यूशन है, ये आपका आरएचएस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोग ये पढ़ लिए, ठीक है,
इनवर्स डायग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सभी प्रॉब्लम दूर हो गई, जितनी भी कन्फ्यूजन बनी थी इस चैप्टर से रिलेटेड ये दूर हो गई। ठीक है, अब हम लोग नए वीडियो इसी तरीके से आते रहेंगे। अगर इस आज की इस टॉपिक से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है या कुछ अलग से अगर आपके मन में कोई आइडिया आया है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, अगर आप कहेंगे आपको जिस चैप्टर को पढ़ना है आप तुरंत मैसेज कमेंट करिए हमारे कमेंट बॉक्स में, मैं तुरंत उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और आप इस वीडियो को, मैं यही चाहूंगा कि जितने भी आपकी तरह ज़रूरतमंद जो गरीब है जो ट्यूशन कोचिंग नहीं आ पाएंगे आप उनके तक ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इस वीडियो से। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है, और इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।